हेलो गाइस नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे सूटी का फूल का सब्जी। तो यहाँ पर हम सूटी का फूल ले लिए हैं, 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं, 1 टमाटर काट कर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं। तो सूटी का फूल का हम 5 मिनट उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम पानी डालकर गर्म कर लेते हैं। पानी में सूटी का फूल डाल देते हैं। तो आलू को हम काट कर ले लेते हैं। हम आलू के काट लेते हैं, ये छोटे छोटे इस तरीके से हम काट लिए हैं आलू के। यहाँ फूल भी 5 मिनट हो गया है उबलते हुए, तो इसमें हम पानी निकाल लेते हैं। अब गैस ऑफ कर लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं छलनी। कढ़ाही चढ़ा दिए हैं, कढ़ाही गर्म हो गया है, तो इसमें हम 2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है तो उसमें हम 1/2 चम्मच सरसों डालते हैं। सरसों की चटकने देते हैं तो प्याज डालेंगे। सरसों चटक गया है तो इसमें हम प्याज डालकर भून लेते हैं। प्याज भुना गया है तो इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, भून लेते हैं। अदरक लहसुन भुना गया है तो इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डालते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गोलकी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची डालकर हम मसाला भून लेते हैं अच्छे से। मसाला भुना गया है तो 1 टमाटर हम काट कर, 1 चम्मच नमक डालते हैं। टमाटर को हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो हम ढककर 2 मिनट टमाटर पका लिए हैं, इसमें हम सूखी का फूल डालते हैं। तो डालकर मिला लेते हैं। इसी में हम आलू काट कर रखे थे वो भी डाल देते हैं। सब्जी अच्छे से भुना गया है तो हम सूखा सब्जी बनाएंगे, तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे। इसमें हम हल्का सा पानी डालते हैं। पानी डालकर ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गया ढककर पकाते हुए। देखिए सब्जी बनकर रेडी हो गया है। तो हम गैस ऑफ कर लेते हैं। तो हम प्लेट में निकाल लेते हैं सब्जी को। सूटी का फूल और आलू का सब्जी बनकर रेडी हो गया है।